ये वहम तो इंशाल्लाह इसका इलाज, इसका मतलब है बिल्कुल बिल्कुल है, ना? अच्छा, मुमकिन नहीं है, है। से है, बिल्कुल और है। अगर किस कोई अगर इस तरह से ना कर पाए सही इलाज तो समझा है, सही समझा 1-2-4 अगर कोई कर लेगा ना, जी, बिल्कुल और उसको आप उस पर अमल करना शुरू कर दें, जो आपको सिखाया जाए, जो आपको बताया जाए, उसमें अमल करना शुरू कर दें, तो ये नामुमकिन है कि आपका इलाज ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, नामुमकिन है ये। बहुत अच्छी बात कही है आपने उमर साहब, बहुत अच्छे बात लोगों को समझाए। देखिए, ये भी एक अवेयरनेस है। अभी वहम के बारे में हमने बात कही, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय होते हैं, लेकिन हमने इस पे क्लियरिटी की है, इस पे क्लियर हो गए कि इसका मतलब है कि वहम का इलाज है। तो इस हवाले से लोग जो कभी कभी ऐसी मायूसियाँ फैलाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब है, अच्छा इसका मतलब है, लुकमान हकीम के पास तमाम बीमारियों का इलाज था, वहम का नहीं था ना? बिल्कुल अच्छा, अगर तमाम बीमारियों का इलाज था, वहम का नहीं था, तो क्या अल्लाह ताला ने ये इसलिए रखा होगा कि टाइम टू टाइम पे चीज़ें चेंज हो जाती है? ये इसलिए रखा होगा क्योंकि अगर तमाम बीमारियों का लुकमान हकीम के पास होता तो पता नहीं क्या होता। इस वजह से कभी कभी हम मामूली सी दर्द का कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए, नहीं होते, और कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाते हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक आजमाइश होते हैं, है ना? बिल्कुल ताकि हम इंसान खुदा ना करदा इस गरूर में ना आए कि हम तो पता नहीं क्या कैसे, क्योंकि कुछ लोग जब समझा कर लेते हैं ना, तो वो इतने गरूर में होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं, यानी हजार में से एक शख्स ऐसा आ जाता है, अच्छा हजार में से एक शख्स आ जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे दावे कर लेता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने किसी को एक बार जंग में मैंने किसी को ये चीज़ें सिखाए थे, और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे दावे किए कि ये तो पता नहीं हमारे आबाओ अजदाद को कोई सिलसिला मिला था किसी वक्त से, ये तो वो हमारे चलता आ रहे हैं। अच्छा हाँ, उन्होंने मेरा नाम ही नहीं लिया था, नाम नहीं, हाँ लेकिन बाद में मैं जो अल्लाह करते हैं, देखे इंसान से काम लेते हैं जो अल्लाह करते हैं, तो मैं अचानक से कहीं वहीं से चलता आया, तो वो सारा कुछ अफसा हो गया ना, सब कुछ अफसा हो गया, और वो सारा कुछ उनका निकला है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर समद ही इनका उस्ताद है, तो वो दावे अल्लाह ने ख़त्म कर दिए और सारा कुछ हो गया। तो वो स्टूडेंट ऐसे होंगे उनके यकीन और ईमान की क्या कंडीशन कर सकते हैं। अब ये देखें ऐसे भी स्टूडेंट हैं आपके यहाँ, एक आपसे बड़े साहब थे, मेरा ख्याल खुद ही रिटायर थे, उन्होंने काफी देर आपसे बात की है और एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, और उनका मैं ये नोट कर रहा था कि वो जितनी आपसे बात कर रहे थे इतनी उनको पावर बढ़ रही थी, जी बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ते पावर बढ़ रही थी, जाते वो चाहते ही है कि आपसे बात करें और बात करेंगे आपसे तो पावर, सही, बिल्कुल उन्होंने तो आपको अपना उस्ताद माना हुआ है, समझे, सही 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 जैसे एक हकीम मिस्टर सलीम, समझे, जी बहुत ज्यादा वो ऐसा लगता है कि डलकों के साथ लगी रहती है उनकी, उसकी वजह ये नहीं है कि उन्होंने अपनी बात करनी है फोन पे और ये नहीं, मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि वो आपसे पावर ले रही है, वो नहीं, आपको उस्ताद को जब उस्ताद नहीं समझेंगे हम तो सही सही हमें क्या फायदा कैसे होगा। सही बात है, बिल्कुल उमर साहब, अल्लाह ने देखे जो है उस्ताद के अपने दर्जात रखे होते हैं, माँ बाप के अपने दर्जे, और जो है ना उस स्टूडेंट के अपने दर्जात होते हैं टीचर के, तो स्टूडेंट भी को भी चाहिए कि वो अपने उस्ताद का एहतराम करे, ख्याल रखे, और एज अ स्टूडेंट, एज अ इंसान, टीचर को भी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स का एहतराम करे और उनके उनके जज्बात के, उनकी चीज़ों का ख्याल रखे, ज़रूरी होती है। ये तो है, एक अच्छे टीचर्स को ये होनी चाहिए, उसमें शागिर्द में तो बहुत सी खामियां आ सकता है, बहुत सी कुछ हो सकता है ना,
टीचर का हौसला बड़े होने चाहिए। हमारे तो इतने बड़े हौसला है, आपको पता है कैसे लोग डील करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ जितने स्टूडेंट आपके साथ लगे रहते हैं, आधा घंटा गुजर गया, उनकी तो पावर बढ़ रही है। हाँ सही है सही है सही, मेरा यकीन तो ये है बिल्कुल बढ़ते हैं, ये आपकी हकीकत है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखे, जो मिसाल के तौर पे उन्होंने समझा कर लिया अपने लिए, बस जिल साइंसिस को भी भूल दिए, डॉक्टर समद को भी भूल दिए, उसकी टीम को भी भूल दिए, और पता नहीं उसके जहन में क्या, बस बात ख़त्म, बस उन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिया। बात बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अदर्स के लिए सोचते हैं, जो वो अपना पैगाम, लोगों को यकीन जो है ना, वो असल में यकीन बन नहीं पा रहे लोगों का। देखिए मैं आपको बता दूँ कि किस तरह के वो लोगों को जो है ना, लोगों के काम आते हैं। अगर आप एक पैगाम देते हैं लोगों को ना, तो आपका जो अभी आप पैगाम दे रहे हैं, आपने टाइम निकाला, हमने टाइम निकाला, दोनों मिल के ये काम कर रहे हैं ना, हम एक सच्चाई लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लोग समझ लेना समझे, हमें इससे कोई गरज नहीं है, हमें इससे कि जो फ़र्ज हमारी है उसको सामने हमने सही तरीके से निभाना है, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाना। आगे लोग समझे या ना समझे वो हमारी कोई वो नहीं है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों तक बस बता दें, कोई समझे आए ना समझे तो ना ही बिल्कुल। अगर कोई तकलीफ में है तो आए हैं, अगर तकलीफ में नहीं है तो भी आ सकते हैं, तो भी आ सकते हैं, क्योंकि वो अगले अदर्स के लिए बन जाते हैं। लेकिन ये हमारा एक स्टूडेंट का भी और मेरा भी एक फ़र्ज़ बनते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जिसकी इतनी अहमियत है, जो इतने बेहतरीन हीलिंग सिस्टम है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अदर तक पहुँचाते हैं। इस चैनल के शुक्रिया, आप लोगों के शुक्रिया, मेरे शागिर्दों के तमाम के शुक्रिया, जो कि मेरी टीम के शुक्रिया कि हमारे साथ है, शाना बशाना चल रहे हैं हम, और इसको दुनिया को हम इंशाल्लाह फैला रहे, दुनिया में हम इस रोशनी को, इस ताकत को, जो हर घर घर में होनी चाहिए और हर फर्द के साथ होनी चाहिए। जिस और बहुत शुक्रिया। और ऐसे क्रोनिक डिजीज जब ठीक हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला कितना, अल्लाह कितना इंसान को, कितना अल्लाह उनके अजर देंगे, कितना अल्लाह ताला उनको सवाब मिलेंगे अल्लाह की तरफ से। अभी एक पेशेंट है, उनका मैं इलाज कर रहा हूँ, उनका बहुत ज्यादा वजन है जी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कई मर्ज उनके साथ मिलते हैं। सही। तो एक दिन मैं कुछ दिन इलाज कर रहा था, उसके बाद मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल जाना पड़ गया उन्हें, उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो जो बीच में फोन करके बताने वाले ने इस तरह से बताया कि मैंने ये महसूस किया कि शायद मेरी ये समझ रहे हैं कि मेरी इस उसकी वजह, इल्म की वजह से, इस इलाज की वजह से इनको जाना पड़ गया। तो मैंने कहा कि भाई आप जो ना, आप ऐसा करें, कुछ दिन के लिए मैं इलाज रोक देता हूँ आपका, आप हॉस्पिटल से अपनी दवा वा ले लें, आप देखें कुछ चेकिंग होगी इधर आ जाइएगा। सही सही। नहीं 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 भाई, आप अपना इलाज मत रोकिएगा, आपने अपना इलाज नहीं रोकना है, आपने अपना इलाज जारी रखना है आप। अच्छा अच्छा, ये तो जब अल्लाह ने देनी है हमें। सही सही समझे। और मुझे लगता है या महसूस होता है की ये वो ऐसा कुछ महसूस करते हैं की उन्हें कुछ सुकून मिलता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेडिकल के साथ साथ हम ये करनी चाहिए, मेडिकल से आप मना मत किया करो, साथ साथ ये करते रहे, अल्लाह उनको ठीक करेंगे, किसी दवाई से किसी चीज़ से मना नहीं करनी चाहिए, और साथ ये चीज़ें करते जाए अल्लाह ताला बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह लेंगे। देखिए मेडिकल में भी ये है कि एंटीबॉडी जब हमारी साइकोलॉजिकल, जो हमारे यकीन है, जो हमारी ताकतें हैं, जब वो स्ट्रांग हो, हमारी इरादा कॉन्फिडेंस हो हमें, और हमारे साइकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो बिलीव जो है हमारे इस चीज़ पे हो कि हमारी एंटीबॉडी, हमारी चीज़ें वजूद स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रांग हो ना, एंटीबॉडी जो है स्ट्रांग हो जाते हैं, जो दिफाई सिस्टम है ना, ह्यूमन सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, जब वो होते हैं तो वो बीमारियों के मुकाबले में, उसको जब मुकाबले में जब आते हैं ना दोनों, तो वो बीमारी को रिमूव कर देता है, ख़त्म कर देता है, बिलखसूस जरासीम जैसे या कुछ और भी नाकस कारकर्दगी होती है। ये तो मेडिकल पे बहुत अहमियत
रखते हैं ये चीज, समुदाय लिंग एनर्जी। और डॉक्टर से ज़्यादातर माशाल्लाह जो ये हेल्थ वर्कर से ज़्यादातर आते हैं और सीखते हैं, तो ये एक अच्छा है। उस अपने के साथ साथ ये भी करें तो ये और अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अब किस्सा आपको सुना रहा था उस हिस्ट्री, वो पेशेंट की जो था, अब उन्होंने बिस्तर पे लेट गए क्योंकि बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, तो वो बिस्तर पे तो ज़ाहिर है उन्होंने लेट नहीं है, बिस्तर पे वो पड़ गए और उनको व्हील चेयर पे ली आते हैं और व्हील चेयर पे ली आते हैं वो बिल्कुल फालिज होती है, जैसा कि कोई मायूसी है उनको बहुत ज़्यादा, किसी के इलाज का पॉसिबल नहीं हुआ उसका, और बिल्कुल ऐसा गया हुआ है जो कि बिल्कुल ही उसके आंखें भी नहीं खुलती हैं क्योंकि वो खबावर दवाइयाँ ट्रैंकुलाइज़र वगैरह जो उनको देते हैं मेडिकली, वो यकीन माने कि कुछ भी नहीं समझा, जो मैंने जितना भी लेक्चर दिया कुछ भी नहीं समझा वो, लेकिन अल्लाह ने उनको अगला दिन बिल्कुल चलता हुआ आया और अल्लाह ने उनको ठीक किया। अल्लाह ने उसको, ये वहम की बात है, वहम आपको यहाँ तक पहुँचा देते हैं, वहम आपको यहाँ तक पहुँचा देते हैं। आते हैं शक। शक एक इतनी बुरी चीज़ है, इस दिवाजी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, इस दिवाजी और अपनों के रिश्तों को तबाह कर देते हैं। कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव शक है किसी चीज़ पे, क्लियर नहीं है, तो आप किसी पे इल्ज़ाम मत लगाओ और सबूत के बिना देखे बगैर, दीन में भी है कि आप अगर देखे नहीं आपने कोई चीज़ तो ये गलत है। एक कॉल होल्ड पे है, आते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, कुदरी जी। माशाल्लाह गुजरांवाला से जी। आज वहम, शक और चिड़चिड़ापन, अकबरी क्या कहना चाहती है इसके बारे में? वहम का कोई इलाज है? हाँ जी, क्यों नहीं है, वहम का है इलाज। माशाल्लाह, तो आप कौन? जो 20 साल से ना शक थी अपने आप पे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। हाँ हाँ, 20 साल इतनी जिंदगी खराब थी ना, ये मैं आपको बता नहीं सकती। उसका खामद इतना शक करता था कि वो वॉशरूम में जाते थे तो बाहर खड़ा होता था। हाँ। वो ये देखे ना बहन भाई उसे मिलने देता था, ना किसी फैमिली में जाती थी, तो फौजगी भी हो जाती थी, उसको जाने नहीं देता था। जी जी जी। तो मैंने उनके घर गई हूँ, औरत मेरे लड़की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना उनके घर को नजर किया और जो भी बंदा फोर्स से ना मैंने यकीन करे उनका 15 दिन किया है, तो वो उनका सुबह जो है ना वो खत्म हो गया है। तो उनकी जिंदगी ना एक इतनी बुरी गुजर रही थी ना, तो पूरी फैमिली जो है ना के परेशान थी उसके लिए। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, इलाज किया है, तो वो बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसके कोई मुजिर असरात नहीं है। By our most powerful healing energy Samda and our most successful formula HMN.
अल्लाह ताला ने ऐसे जस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज किया और ऐसे मसाइल का हल किया जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और जिल साइंसेस। फाइंड मी ऑन गूगल, यूट्यूब एंड फेसबुक। कॉन्टेक्ट अस एंड विजिट समदा हीलिंग डॉट